हरियाणा बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज मुरैना मेला मैदान पर एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के समय भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बसपा को कमजोर करना चाह रही हैं। जहां बसपा मजबूत होती है, वहीं पर ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम करती है। मायावती ने मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता से बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग को वोट देने की अपील की। साथ ही इस अवसर पर मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग एवं भिंड दतिया क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया एवं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कल्याण सिंह गुर्जर ने भी सभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि बसपा पार्टी गरीबों, किसानों, आदिवासियों के विकास वाली पार्टी है और बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ईवीएम के सहारे चुनाव जीत सकती है, विकास के मुद्दे पर वोट बीजेपी को नहीं मिल सकते।